जानता हूँ पिछले दिनों जम्मू में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई, वहाँ पे ये बात चली कि वो सब दिल्ली आके दूसरे लीडरों से मिलना चाहते हैं और इलेक्शन कमीशन को एक डेलीगेशन लेके जाना चाहते हैं। वो इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की क्या खता है कि पिछले 5 साल से यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है हमें दी नहीं गई है। अब मैंने सुना है कि शायद इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे टाइम मुकर्रर किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डेलीगेशन वहाँ पे जाए और इलेक्शन कमीशन से खुलेआम वहाँ पे बात करें और जम्मू कश्मीर के लिए इंसाफ हासिल करें। आखिरकार पिछला इलेक्शन असेंबली का हमारा 2014 में हुआ, ये शायद सबसे लंबा अरसा रहा है जबकि इतना बड़ा गैप रहा है इलेक्शन असेंबली इलेक्शन के दरमियान। उमर साहब मुझे बताइए, अपोजिशन से क्यों मिलना है, सीधे गवर्नमेंट से क्यों नहीं मिलते इलेक्शन को लेकर? अब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का ऐलान गवर्नमेंट नहीं करते, इलेक्शन करने का फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन का होता है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी को इलेक्शन का ऐलान करना होता हम प्राइम मिनिस्टर से मिलते, अगर इलेक्शन का ऐलान होम मिनिस्टर को करना होता हम होम मिनिस्टर से मिलते, लेकिन इलेक्शन का ऐलान इलेक्शन कमीशन करती है, इसलिए वो इलेक्शन कमीशन को मिलने जा रहे हैं। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार अपोजिशन से मिल रही है, सर मकसद क्या है, क्या प्लान है आगे? जम्मू कश्मीर में इलेक्शन अपोजिशन के अलावा और तो कोई है ही नहीं, हुकूमत से मिलने का कोई फायदा नहीं क्योंकि ये लोग तस से मस नहीं, ये लोगों को सिर्फ परेशान करना चाहते हैं। और जब हमने कभी गवर्नमेंट से मिलने की कोशिश की गवर्नमेंट ने हमें टाइम दिया नहीं, तो अब हमने मिलना ही बंद कर दिया, कोई फायदा नहीं। इंजीनियर रशीद अभी तक बंद है सर। आप लोगों के जरिए जो है अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं। इंजीनियर रशीद अभी तक बंद है, नेशनल लोग बंद है। इंजीनियर रशीद की क्यों बात करते हो, बहुत से ऐसे बंद हैं, हम तो चाहते हैं कि सारे रिलीज हो जाए, इतने नौजवान हैं जो बंद हैं, हम चाहते हैं कि वो सारे जो है अपने घर वापस आ जाए। इसलिए मैंने कहा जम्मू कश्मीर से पीएसए का कानून हट, कहाँ पे हमारे कहने और करने में फर्क रहा? वो यही लोग हैं ना जो खुलेआम और बंद कमरों में बीजेपी की मदद करते हैं। हम तो खुलेआम कहते हैं ना कि हम बीजेपी को रोकने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि यहाँ बीजेपी की हुकूमत बने, ये जो हमारा जमहूरी हक है बीजेपी की मुखालफत करना, हम कर रहे हैं, हम अपना हक अदा कर रहे हैं यहाँ पे और अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। सर एस एग्जाम और एपटेक रो पे जिस तरह से आपने कहा कि आप प्रोटेस्ट हुए, तो शुक्र है देर आए दुरुस्त आए अकल आई इनको, लेकिन पहले हमें ये बताए ना एपटेक को लाने की क्या मजबूरी थी, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। ये किसका फैसला था एपटेक को यहाँ लाना, क्या इश्तिहार हुए, क्या उन्होंने क्या किसी एप्लीकेशन के तहत आए, क्या उन्होंने कोई टेंडर डाला, आपने कैसे इनको अपॉइंट किया, क्या अपॉइंट करते वक्त आपको पता नहीं था कि बाकी मुल्क में इनको ब्लैकलिस्ट किया गया है, इसमें ज़रूर कहीं पे धांधली हुई है, उस धांधली की इंक्वायरी होनी चाहिए।